पकौड़ा सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। बिल्कुल नई कविता, क्योंकि पकौड़ा भी नया नया चल रहा है अभी, ये समझ लो ये मेरा ही ठेला है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जी हजूर, मैं पकौड़े बेचता हूँ। मैं तरह तरह के पकौड़े बेचता हूँ। इस पकौड़े ने कईयों की सत्ता हिलाई है, कईयों को बिना मेहनत के कुर्सी दिलाई है। ये पकौड़ा स्वराज का है, आप सही समझे ये पकौड़ा प्याज का है। आप सही समझे ये पकौड़ा प्याज का है। ये पकौड़ा सांप्रदायिक रंग में खिलखिलाया है, क्योंकि हमने इसमें बेसन में केसर मिलाया है। देखिए हमने क्या चतुराई अपनाई है, हरे पालक पर केसरिया परत चढ़ाई है। देखिए हमने क्या चतुराई अपनाई है, हरे पालक पर केसरिया परत चढ़ाई है। ये पकौड़ा सजावटी है, ये पकौड़ा दिखावटी है। वो पकौड़ा जो उस बंडल में है, वो आजकल मार्गदर्शक मंडल में है। वो पकौड़ा जो उस बंडल में है, वो आजकल मार्गदर्शक मंडल में है। उधर देखो, ये आलू का पकौड़ा गोभी के साथ जुड़ गया, कांग्रेस में था भाजपा की तरफ मुड़ गया। कांग्रेस में था भाजपा की तरफ मुड़ गया। ये जो इस पकोड़े ने कढ़ाई का सारा बेसन अपने साथ फेंट लिया है, ये जो इस पकोड़े ने कढ़ाई का सारा बेसन अपने साथ फेंट लिया है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्दन में मफलर लपेट लिया है।